गुड मॉर्निंग एवरी वन. कॉन्टिन्यूइंग विद अवर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर जो है दैट इज कंपनसेटिंग एरर्स. कंपनसेटिंग एरर्स में क्या होता है कि अगर सपोज आपने एक एरर कर दिया और आपने उस एरर का जो इफेक्ट है, आपने एक एरर करने के बाद एक और एरर कर दिया जिसमें जो फर्स्ट वाला एरर था उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाता है. जैसे सपोज एग्जाम्पल, दिनेश के अकाउंट को आपने क्रेडिट करना था 18,100 से, लेकिन आपने उसे क्रेडिट कर दिया 11,800 से, जबकि रमेश का अकाउंट जो था उसे आपने क्रेडिट कर दिया 18,100 से, किसके बजाय 11,800 से. इसका मतलब रमेश के अकाउंट में आपने क्रेडिट करना था 11,800 और दिनेश के अकाउंट में आपने क्रेडिट करना था 18,100. आपने दिनेश के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 11,800 से और रमेश के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 18,100 से. तो जो एरर का इफेक्ट था वो कैंसल आउट हो जाता है. तो ये एरर भी आपको ट्रायल बैलेंस में शो नहीं होता है. नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज एरर्स डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस, कि वो कौन कौन से टाइप्स के एरर हैं जो ट्रायल बैलेंस जब आप बनाते हैं उससे आपको डिस्क्लोज हो जाते हैं, पता चल जाता है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मिस्टेक्स हैं. जब आपका डेबिट और क्रेडिट साइड जो है ट्रायल बैलेंस का वो टैली नहीं करता है, इसका मतलब कि आपके अकाउंट्स में मिस्टेक्स हैं. इन एरर्स का जो इफेक्ट होता है वो ट्रायल बैलेंस के टैली होने पर होता है. तो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज रॉन्ग टोटलिंग. जब आपने जो टोटल है किसी सब्सिडी बुक का आपने रॉन्ग किया है, उसकी पोस्टिंग भी आपने गलत कर दी है, तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा. जैसे सपोज एग्जांपल, जो आपका टोटल था सेल्स रिटर्न बुक का उसे आपने कम टोटल कर दिया, टोटल आपने 1950 रुपीज से कम टोटल कर दिया उसको, तो जो सम था डेबिट साइड का ट्रायल बैलेंस का वो भी कम शो होगा 19,500 से 50 से. तो जो आपका ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स हैं वो मैच नहीं करेंगी. देन पोस्टिंग इन द रॉन्ग साइड ऑफ अकाउंट, जो अमाउंट है डेबिट साइड का आपने गलती से क्रेडिट साइड पर एंटर कर दिया, तो जो अदर साइड है वो तो आपने करेक्टली एंटर कर दी पोस्टिंग के टाइम पे लेजर में, लेकिन जो ट्रायल बैलेंस है वो आपका टैली नहीं करेगा. फॉर एग्जांपल, आपने गुड्स परचेज की विनोद से 1,17,000 की, विनोद का अकाउंट आपने डेबिट कर दिया बजाय उसे क्रेडिट करने के, तो जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली नहीं करेगा. देन एंटरिंग रॉन्ग अमाउंट, अगर आपने गलत अमाउंट एंटर कर दी है अकाउंट में एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग, तब भी आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा. फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर आपने परचेज किया 27,500 का, तो आपने कैश अकाउंट में तो ठीक एंट्री कर दी, लेकिन कंप्यूटर अकाउंट में आपने गलती से 25,700 लिख दिए, तो जो आपका ट्रायल बैलेंस है वो टैली नहीं करेगा. देन डबल पोस्टिंग, कोई अमाउंट था अकाउंट का आपने डेबिट या क्रेडिट दो बार कर दिया, आपने उसे डेबिट या क्रेडिट एक बार करने की, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा. फॉर एग्जांपल, सैलरी आपने पे की 19,800, उसे आपने दो बार डेबिट कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा. देन रॉन्ग एंट्री इन ट्रायल बैलेंस, जो बैलेंस अगर आपके किसी अकाउंट का आपने गलत साइड पर लिखा है तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा. जैसे आपका अमाउंट था डेप्रिसिएशन का, आपने उसे क्रेडिट साइड पर लिख दिया, तो जो ट्रायल बैलेंस है आपका टैली नहीं करेगा. द नेक्स्ट इज योर ओमिशन ऑफ एनी अकाउंट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस. अगर कोई अकाउंट लेजर से में ओमिट हो गया है जब आप लेजर से उसे ट्रायल बैलेंस में लिख रहे हो, तो उनकी दोनों साइड्स जो ट्रायल बैलेंस की है वो मैच नहीं करेंगी. देन ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन एस्पेक्ट ऑफ द एंट्री, जब आप पोस्ट कर रहे थे ट्रांजैक्शन को, आपने एक साइड तो करेक्टली एंटर कर दिया उसको, लेकिन दूसरी साइड आप उसे पोस्ट करना ही भूल गए, तो भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा. फॉर एग्जांपल, गुड्स रिटर्न की अरविंद ने 11,700 की, आपने इसे परचेज रिटर्न बुक में तो एंटर कर दिया, लेकिन अरविंद के अकाउंट में एंटर नहीं किया, तो आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली नहीं करेगा. देन एरर इन कास्टिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, अगर कोई एरर है टोटलिंग में या बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स में, या रॉन्ग टोटल किया आपने या रॉन्ग बैलेंस किया और उसे ट्रायल बैलेंस में लिखा, तो भी आपका जो
ट्रायल बैलेंस है वो टैली नहीं करेगा. देन एरर इन द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस, कई बार एरर टोटलिंग में हो जाता है ट्रायल बैलेंस की, तो भी ट्रायल बैलेंस आपका इक्वल दोनों साइड्स नहीं शो करेगा. देन ये जो एरर्स हुए हैं इनको डिटेक्ट करना और कैसे हमें ट्रायल बैलेंस को बैलेंस करना है उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं. स्टेप्स नहीं हम कहेंगे उसको, हम कहेंगे कुछ हमारे पास वेरियस सॉल्यूशंस है उसके कि किस तरीके से हम मिस्टेक्स को डिटेक्ट कर सकते हैं. अगर आपका जो सम है दोनों साइड्स का ट्रायल बैलेंस का मैच नहीं होता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ एरर अकाउंटिंग बुक्स में है, तो ये नेसेसरी है कि डिटेक्ट किया जाए उन एरर्स को और उन्हें रेक्टिफाई किया जाए. तो क्या क्या आप चीज़ें कर सकते हो एट द टाइम ऑफ डिटेक्शन ऑफ एरर्स? पहले आप ट्रायल बैलेंस को रीटोटल करो, हो सकता है रीटोटलिंग में ही करेक्शन हो जाए कि आपने टोटल गलत किया था और रीटोटलिंग करके आपकी दोनों साइड्स दोबारा से टैली हो जाए. देन अगर जो आपका रीटोटल आपने किया उसके बाद जो अमाउंट ऑफ डिफरेंस है दोनों साइड्स के बीच में, डेबिट साइड का टोटल किया क्रेडिट साइड का टोटल किया, दोनों में जो डिफरेंस है अमाउंट में बोथ साइड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस में, उसे आप चेक कीजिए कि क्या सेम अमाउंट का कोई लेजर का अकाउंट तो नहीं है जो आप ट्रायल बैलेंस में लिखना भूल गए हैं. और क्या हो सकता है, रीटोटल करो, रीबैलेंस करो, जो अमाउंट आपका डिफरेंस का आया उसे आप हाफ करके देख सकते हैं या डबल करके देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि उतना ही अमाउंट कहीं आपने रॉन्ग साइड पर तो नहीं लिख दिया है किसी अकाउंट की. देन कई बार मिस्टेक्स किस में होती है, डिजिट्स चेंज हो जाती हैं. जैसे हमने ऊपर देखा कि 18,800 के बजाय आपने 11,800 कर दिया. इस तरीके से अगर डिजिट्स की चेंज में अगर प्रॉब्लम है तो वो कैसे डिटेक्ट आप कर सकते हैं? जो भी डिफरेंस है अमाउंट का, अगर आप उसे 9 से डिवाइड करेंगे तो अगर वो कम्प्लीटली डिवाइडेबल 9 है, इसका मतलब मिस्टेक्स हुई है ड्यू टू चेंज इन डिजिट्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 6900 लिख दिया, लिखना था आपने 9600, तो जो अमाउंट ऑफ डिफरेंस है दोनों के बीच में वो कितना है, 2700 को जब आप 9 से डिवाइड कर रहे हो तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है. इसका मतलब जो मिस्टेक हुई है वो डिजिट्स के चेंज होने से हुई है. देन ये चेक करना चाहिए आपको कि कोई अकाउंट ओमिट तो नहीं हो गया है ट्रायल बैलेंस लिखते हुए. क्या सभी अकाउंट्स जो लेजर के हैं उनका टोटल चेक करो दोबारा से आप, जो टोटल है प्रीलिमिनरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का उसकी पोस्टिंग दोबारा से चेक आप कर सकते हैं. जो भी अकाउंट्स आपके लेजर में हैं उन्हें काउंट कीजिए, चेक कीजिए क्या ट्रायल बैलेंस में सेम नंबर ऑफ अकाउंट्स आपके शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. आप कैश बुक और बैंक बैलेंस से आप शो कर सकते हैं कि आपने उसे ट्रायल बैलेंस में, चेक कर सकते हैं कि आपने उसे ट्रायल बैलेंस में शो किया है या नहीं किया है. शेड्यूल्स क्रेडिटर्स के, डेब्टर्स के आप रीचेक कर सकते हैं. चेक कर सकते हैं आप बैलेंस अमाउंट लास्ट ईयर का आप आगे करंट ईयर में करेक्टली लेके आए हैं या नहीं लेके आए हैं. अगर फिर भी आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली नहीं होता है डिटेक्शन ऑफ एरर जो भी आपने ट्रांजेक्शन की है उसके बाद भी, तो आप एक स्पेशल मार्क, जब आप उसे डिटेक्शन ऑफ एरर कर रहे हैं और टैली कर रहे हैं तो आप एक स्पेशल मार्क लगा सकते हैं वाइल प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस की इस चीज़ को हम चेक कर चुके हैं या इस चीज़ को चेक करना भी बाकी है. उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाएगा कि किन आइटम्स की चेकिंग नहीं हुई है, कहाँ पर एरर एग्जिस्ट कर सकता है. नेक्स्ट जो हमारा है, दैट इज टॉपिक सस्पेंस अकाउंट. अगर प्रॉपर चेकिंग करने के बाद भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है और आपको जल्दी है कि आपने फाइनल अकाउंट्स अपने बनाए हैं, तो जो भी ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस है हम उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं सस्पेंस अकाउंट में, और नेक्स्ट ईयर जब भी हमारे एरर्स डिटेक्ट होंगे तो हम उन्हें सस्पेंस अकाउंट से एडजस्ट कर लेते हैं. जो सस्पेंस अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा जब आपके एरर्स डिटेक्ट हो जाएंगे. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस. सबसे पहला है नो गारंटी ऑफ कंप्लीट एक्यूरेसी. ट्रायल बैलेंस अगर टैली हो रहा है तब भी आप ये नहीं कह सकते कि अकाउंट बुक्स जो हैं आपकी वो कम्प्लीटली एक्यूरेट है, क्योंकि अभी हमने ऊपर टॉपिक में पढ़ा कि कुछ एरर्स ऐसे भी होते हैं जो आपके ट्रायल बैलेंस अगर मैच हो रहा है तब भी एग्जिस्ट करते हैं. तो जो ट्रायल बैलेंस है वो गारंटी नहीं है 100% एक्यूरेसी की. दूसरा है कॉस्टली सिस्टम. ट्रायल बैलेंस
क्यों जब आप प्रिपेयर करते हो तो वो टाइम कंज्यूमिंग भी है और कॉस्टली अफेयर भी है। तो जो ट्रायल बैलेंस है वो उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को बनाना चाहिए जहाँ पर डबल एंट्री ऑफ अकाउंटिंग आप यूज़ कर रहे हो, क्योंकि ये कॉस्टली मेथड है तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इसे अडॉप्ट नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट इज़ योर टॉपिक जो है हमारा सब डिविजन ऑफ जर्नल। जर्नल इम्पॉर्टेंट बुक है अकाउंटिंग की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कम होती है तो अप्रोप्रिएट होता है जो भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, वो जर्नल से शुरू करें। लेकिन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा है, हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना जर्नल में पॉसिबल नहीं होता है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स जर्नल में अगर आप कर रहे हो लार्ज बिजनेसेस में, तो आपको इन्फॉर्मेशन जो मिलेगी वो भी डिलेड मिलेगी। तो इसके लिए, उस कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, जर्नल को डिवाइड कर देते हैं इन मैनी बुक्स, जिन्हें हम सबस्ट्री बुक्स, आप सब डिवीजन करते हैं जर्नल का तो उन्हें हम सबस्ट्री बुक्स कह देते हैं। जैसे सपोज एग्जांपल, जो भी आपकी कैश ट्रांजेक्शन है आप उन्हें एक बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्रेडिट परचेजेस आप अलग बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्रेडिट सेल्स आप अलग बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिल्स रिसीवेबल के लिए आपने अलग सबस्ट्री बुक बना दी। सिमिलरली सेम टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो सेपरेट बुक्स में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जर्नल को हम डिवाइड कर सकते हैं फर्दर डिफरेंट पार्ट्स में। जैसे पहला है कैश बुक, इस बुक में जो भी ट्रांजेक्शन कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट की होगी सिर्फ वो रिकॉर्ड होगी और सारी बैंक की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी। देन परचेज बुक में सिर्फ हम गुड्स परचेज जो क्रेडिट पर कर रहे हैं सिर्फ उसकी जर्नल एंट्रीज हम परचेज बुक में करेंगे। देन सेल्स बुक में सिर्फ उन गुड्स की एंट्री हम करेंगे जो आप क्रेडिट पर सोल्ड कर रहे हो। सिमिलरली परचेजेस रिटर्न बुक हो गई, तो वो गुड्स जो हमने परचेज की थी क्रेडिट पर और हम उन्हें रिटर्न कर रहे हैं तो उनको हम रिकॉर्ड करेंगे परचेज रिटर्न बुक में। सेम तरीके से सेल्स रिटर्न बुक है, तो जो गुड्स हमने सोल्ड की थी क्रेडिट पर और उनको कस्टमर्स ने रिटर्न किया है तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे सेल्स रिटर्न बुक में। देन बिल्स रिसीवेबल बुक में सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, हुंडीज जो आपने रिसीव की है कस्टमर से उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। बिल्स पेबल बुक में जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, हुंडीज आपने इशू की है बिजनेस ने, सिर्फ उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। देन जर्नल प्रॉपर, जो भी आपकी ट्रांजेक्शन्स इन ऊपर वाली किसी भी बुक में, अगर किसी भी अदर सबस्ट्री बुक में जो रिकॉर्ड नहीं हो रही हैं उनको हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज, एंट्रीज ऑफ एरर रेक्टिफिकेशन एसेट्रा। तो जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है आप 8 सबस्ट्री बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं सिर्फ एक सिंगल जर्नल में उन्हें रिकॉर्ड करने की बजाय। जो प्रिपरेशन है बुक की वो डिपेंड करता है ट्रेडर के ऊपर कि कौन सी बुक्स उसे मेंटेन करनी है, कौन सी सबस्ट्री बुक्स उसे मेंटेन करनी है, वो डिपेंड करेगा ऑन द नेसेसिटी ऑफ द ट्रेडर। तो वो मेंटेन कर सकता है बुक्स अकॉर्डिंग टू हिज नेसेसिटी। जो भी जर्नल है आप उन्हें सब डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट सबस्ट्री बुक्स में। तो इसके साथ जो ये हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। चैप्टर नंबर 6, कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। थैंक यू सो मच।